हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी। ठीक है, ये पहला बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे सेशन है। ठीक है, तो वही बोलेंगे धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस करते रहेंगे और रिस्पॉन्स आपको अच्छा देना है। ठीक है, आई होप जो पिछला वीडियो में आपने रिस्पॉन्स दिया है हालांकि अभी सही है। ठीक है, हमारे पास सब्सक्राइबर नहीं उतने, हमारे पास बच्चे नहीं है। ठीक है, मगर उसे आपने सही था, मगर अब अगर फेस दिख रहा है तो बोलते हैं कि अगर मुझे फेस दिखता है तो ज्यादा सामने आता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब फेस के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया। सही है, तो सेशन पसंद आएगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, नया सेशन स्टार्ट करेंगे आज, और ये सेशन हमारा कौन सा होने वाला है सर? आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी एडिशन। देखो, बाइनरी एडिशन तुम्हारे UPSC 2022 में कंप्यूटर 50% पूछेंगे उसमें, ELP टेक्नीशियन में GS पूछता है, कंप्यूटर साइंस पूछता है उसमें। ठीक है, GS में आते ही आते हैं, यानी तुमको इंपॉर्टेंस पता है कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस चैप्टर का होता है बाइनरी एडिशन। ठीक है, 111 + 110 ऐसे करके पूछ देता है तो क्या होता है बाइनरी एडिशन। ठीक है, उसको देखेंगे। तो सेशन पसंद है उसको लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर आके इसको सब्सक्राइब करो। ठीक है बाबू, चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि होता क्या क्या चीज़ है, वो जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है। ये चीज़ें याद तो दिमाग पर रखोगे तभी हो पाएगा। क्या है कि 1 + 1 क्या होता है, 1 + 0 क्या होता है, 0 + 1 क्या होता है, 0 + 0 क्या होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि 1 + 1 क्या होता है, 0 + 0 क्या होता है, 0 + 1 क्या होता है या 0 + 0 क्या होता है। सही है, तो इसको ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको देखते हैं क्या क्या होता है और आगे देखते हुए चलते हैं। ठीक है, देखो 1 + 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है, याद रखना 1 + 1 जोड़ते हैं तो 0 होता है। ठीक है, 1 + 1 जोड़ते हैं तो 0 होता है, और याद रखना इसके साथ क्या होता है, एक कैरी जनरेट होता है, कैरी एक जनरेट होता है। कोई दिक्कत है नहीं सर? 0 + 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है सर? 0 + 1 जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आता है, 1 आता है, कोई कैरी जनरेट नहीं होता है। 0 + 1 करते हैं तो क्या होता है सर? 1 आता है, कोई कैरी जनरेट नहीं होता है। 0 + 0 करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, अब लोग कहेंगे सर लोग 1 + 1 करते हैं तो 1 आता है। एंड गेट में पढ़े होंगे कि इनपुट अगर 2 है 1 और 1 तो आउटपुट ये 1 आता है। तो वो किस सेंस से लेता है, इसको ऑन से लेता है, इसको ऑन से लेता है तो सर हमारी क्या होती है, ऑन होती है। या फिर 0 + 1 करते हैं तब भी क्या होता है, ऑन ही होता है, यानी 1 ही आता है। तो ये अलग कहानी है, एंड गेट नॉट गेट ये किसी और दिन देखेंगे या अगला सेशन ले लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मगर फिलहाल याद रखना ये चीज़ कि ये बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती है। ठीक है, अभी एंड गेट पे ही आओगे तो बहुत सी चीजें तुमको पढ़नी पड़ेगी। जैसे 1 + 1 करते हैं तो क्या आता है, तो सर ए की वैल्यू आती है, या 0 + 1 करते हैं तो क्या होता है, 1 + 1 करते हैं तो क्या होता है, ये सब सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। मगर फिलहाल एक तुमको ये चीज 4 पॉइंट याद रखना, एक चीज तुमको क्वेश्चन देते हैं और तुमको सॉल्व करना है, इसी तरीके से पूछेगा कि क्या होता है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है कि 1 1 0 1 है प्लस 1 0 0 0, ये बाइनरी है, तुमको इसको जोड़ के बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये बाइनरी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो याद रखना कंप्यूटर में 1 से 2 नंबर जरूर आएंगे, तुमको 20 नंबर लाने होते हैं पासिंग के। तुम इसको पढ़ लो, बाइनरी एडिशन क्या होता है, कुछ फुल फॉर्म पढ़ लो, कुछ गेट पढ़ लो, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे थे कंप्यूटर में भी। ठीक है, और ELP वाले खासकर ध्यान दो। ठीक है, तुम लोग का टेक्नीशियन टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन तो होते हो, मगर टेक्नीशियन में ज्यादा ज्यादा लोग फेल होते हैं अपने ट्रेड में। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो ध्यान से देख लो, करते कैसे है? इसको लिख लेते हैं 1 1 0 1, यही लिखा है, हाँ 1 0 0 0। इसको करेंगे कैसे ध्यान से देखना, 1 + 0 जोड़े तो 1 + 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1 + 0 जोड़े तो 1 आया ना, 1 लिख दिए, 0 + 0 जोड़े तो सर 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 1 + 0 जोड़े सर 1 + 0 जोड़ेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 + 1 जोड़ोगे तो क्या होगा सर, 1 + 1 जोड़ते हैं तो 0 लिखना पड़ता है, और कैरी एक जनरेट होता है, तो कैरी हमेशा कहाँ फॉरवर्ड होगा, आगे, यानी आगे उसको भेज देते हैं। तो ये 1 है तो सेम सीधा ही उसको 1 की तरह उतारा तो कोई दिक्कत नहीं है, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, आंसर
हो जाना है। एक तरीका और भी है, इसको डेसिमल में बदल के करते हैं, कभी तुमको अब डेसिमल में कभी बदलना बताएंगे, ठीक है। मगर फिलहाल बाइनरी कैसे जोड़ा जाता है इसको याद रख लो, ठीक है। अगर डेसिमल है हेक्सा डेसिमल तुमको ऑक्टल नहीं जुड़ने आया तब के लिए बोल रहे, सिंपल इस तरीके से याद रखो, आसानी से हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं सर। सब्ट्रैक्शन बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी होता है, मगर सबसे क्या पूछता है, बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन, यही दो अधिक पूछता है। देखो एक सवाल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू देखो कैसे करोगे। एक क्वेश्चन और है, 1011 है और 1011 है, इसको जो बताओ कैसे करोगे। अगला सवाल इसको चलो बाबू फट से, इसको कैसे करोगे। क्वालिटी सही है दिख रहा होगा तो सपोर्ट बाबू लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब चीज तुम्हारे लिए कर रहे हैं, अभी उतनी बजट नहीं है मगर हो रहा है धीरे धीरे, बस तुम्हारे लिए हो रहा है। उतने दिन तक कॉपी कलम दवा, ठीक है, उस तरीके से बजट थी, थोड़ी और इनियंस हुई है, ठीक है, ट्यूशन कोचिंग तभी के पैसे हैं तो थोड़ा ये बजट हुआ, धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, तुम लोग का सपोर्ट बस चाहिए, बनाए रखना, ठीक है। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सर 1+1 क्या होता है, 0। हाँ सर कैरी कहाँ आया सर, कैरी एक फॉरवर्ड हो जाएगा, हमें क्या लगता है कैरी के ऊपर आ गए, ये कैरी और ये 1 1 0 तो क्या होगा, 1+1 जोड़ोगे तो सर एक 0 आता है, ठीक है, और एक कैरी बच गया ना। तो देखो याद रखना कि जब 1+1 0 आया, ठीक है, तो इसको 0 यहां पर रखो, और कैरी यहाँ कहाँ गया, ये कैरी इसमें से बचा होगा ना, क्योंकि 1+1 0 कैरी एक होता है, तो कैरी क्या करना है इसमें मत जोड़ देना, कैरी जैसे ही बचे हमेशा एक आगे एक फट से ट्रांसफर कर दिया करो, ठीक है, कैरी एक फट से ट्रांसफर आगे कर दिया करो। तो 1+1 सर 0 कैरी आगे ट्रांसफर कर दियो, तो सर कैरी यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, बचा क्या था हमारा यहाँ पे 0, क्योंकि 1+1 0 आया था, 1 तो आगे कर दिया 0 बचा था, तो इसकी वैल्यू पूरी टोटल कितनी आई थी, 0 आई थी, 0 ही आया था ना, हाँ सर 0 आया था। अब देखो 0+1 जोड़ दिए, क्योंकि ये 1 थी ना, तो 0+1 जोड़े तो क्या हो जाएगा, 0+1 जोड़ोगे तो सर 1 आ जाएगा, कैरी यहाँ पे आ गया था ना, ये वाला बचा के मेरे यहाँ पे लेके आए थे, तो 0+0 क्या हो जाएगा, 1, फिर 1 यहाँ इसका टोटल किया तो सर 1 आ गया, फिर ये 1 बचा है तो 1+0 करेंगे क्या है, 1 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो रिपीट करके देख लेना। अब देखो फिर 1+1 क्या हो गया, 0, और बोलते हैं जैसे ही कैरी बचे फट से आगे क्या कर दिया इसको, कैरी फॉरवर्ड, तो 1+1 क्या हो गया, 0, कैरी 1 आ गया, कहाँ लिखोगे कैरी, आगे लिख दिए, ठीक है, कैरी आगे लिख दिए 1, हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी करके देखना बहुत आसान है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। एक लास्ट देते हैं तुमको और तुम्ही को करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, इसके बाद एक सब्ट्रैक्शन को बता देंगे, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन ही आता है। 1 1 1 1 है, 1 0 1 1 है, इसको तुमको क्या करना है, एडिशन करना है, बाइनरी एडिशन, सही है, इसको करो। और बाबू प्लीज फिर वही कहानी, समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। देखो क्या बोले, बोलोगे सर इसलिए बाद में बोलते हैं क्या, ये देखो कैसे करोगे, किया जाए इजी है, इजी है। देखो होगा क्या, 1+1 क्या हो गया, 0 हो गया, सर कैरी आगे आया था ना, क्योंकि सर बोले थे कि 1+1 0 हो गया, कैरी फट से आगे फॉरवर्ड करो, 1 फॉरवर्ड कर दिए, कोई दिक्कत है नहीं सर। 1+1 क्या हो गया, 0, 1+1 0 होता है, कैरी फट से यहाँ पे फॉरवर्ड कर देना, यहाँ पे झामे मत रखना, आगे फॉरवर्ड हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे 0 बताया था ना, 0+1 कितना हो गया, 1 हो गया, इसको लिख देते हैं। देखो यहाँ पे कैरी आया था ना, हाँ सर, तो 1+1 कितना हो गया, 0, फिर 0 आया है, कैरी फट से आगे फॉरवर्ड करो, कोई झंझट मत रखना, तो 0+0 कितना हो गया, 0 हो गया, 1+1 कितना हो गया, 0, कैरी 1, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करो, पीछे का झंझट मत रखो, तो 1+1 कितना आया था हमारा सर, 0, तो 0+1 कितना हो गया, 1 हो गया, और ये 1 कैरी यहाँ पे आया था। कभी तुम जिसको डेसिमल आता होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसको डेसिमल आता है, कभी बदल के देखना, इस वाले को कभी डेसिमल में बदल लो मान लो 4 है, इसको डेसिमल में बदल लो मान लो 6 है, इसको जोड़ोगे तो 10 ही आएगा ना, और हमारा ये आंसर भी 10 आ रहा होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप बाइनरी एडिशन समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसी बात पे लाइक से सब्सक्राइब, ठीक है। चलो इसका सब्ट्रैक्शन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही सबके लिए पूछे जाते हैं, सही है। चलो आगे देखते हैं, इसको हटा दें, स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो, सही है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं।
सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये देखो, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। बने सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? कुछ नियम याद रखनी है, वो नियम पहले याद रखो। अधिकतर तो नियम ही पूछ लेता है जी कि वन में से वन घटाओगे तो क्या आएगा, वन में से जीरो घटाओगे तो क्या होगा, जीरो में से वन घटाओगे तो क्या होगा, जीरो में से जीरो घटाओगे तो क्या होगा। सबको पता है वन में से वन घटेगा जीरो आ जाएगा, वन में से जीरो कटेगा वन आएगा, जीरो में से वन घटेगा कितना आएगा। तो जीरो में से वन घटता है तो सर वन आता है, याद रखना। जीरो में से वन घटता है तो वन आता है, मगर एक क्या हो जाता है, बोरो। बोरो का मतलब समझते क्या होता है? सर बोरो मतलब होता है उधार, एक उधार लेता है। आगे और इस उधार लेगा जब न्यूमेरिकल तो जब सोल्यूशन करेंगे तो देखेंगे। जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाता है। कोई दिक्कत है? ये चार चीज याद रखना सब्ट्रैक्शन में, ठीक है? ये याद हो गया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे करोगे। क्वेश्चन तीन क्वेश्चन कराएंगे और इजी कराएंगे, मतलब इजी क्या कराएंगे तो हो जाएगा। वन जीरो जीरो वन जीरो वन वन जीरो, इसको हटाओ पहली कहानी, क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर लाओ बाबू, इसका आंसर लाओ, ठीक है? एग्जाम में पंखा गिनने वाली हालत ना हो, ठीक है? रहते इजी है मगर पंखा के डिने गिनने पड़ जाते हैं, कितने राउंड आरपीएम निकालते हैं, ठीक है? टैकोमीटर का प्रयोग नहीं करते क्योंकि इतना समय खाली पड़ जाता है, कुछ कर नहीं पाते, तो पंखे गिनते हैं, सही है? याद रखना। तो पंखे के गिनने की हालत ना हो डिने, इसलिए प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, ठीक है? सबका होगा, बस मेहनत चाहिए, ठीक है? आज नहीं दो दिन बाद होगा, सबका होगा, बस जो मेहनत किया है उसी का लगा रहेगा। ये नहीं कि एग्जाम पर दे एग्जाम आएगा सर जी तब पढ़ लीजिए, ठीक है? करोगे तो पढ़ते कर जाओगे। देखो माइनस करना है, क्या दिया है? वन माइनस जीरो करोगे तो कितना आएगा सर? ये वन आता है। जीरो में से एक जाता है, हाँ सर जीरो में से एक जाएगा कितना आएगा? जीरो में से एक जाएगा सर बचेगा एक, मगर याद रखना। देखो जीरो में से एक जाता नहीं है तो आगे से क्या बोले उधार लेना पड़ता है, ठीक है? तो सर जी आगे से उधार लेंगे तो ये तो खुद ही जीरो है, ये खुद ही जीरो, तो कहाँ से उधार लेगा? तो सर ये कहाँ से उधार लेगा? तो ये बोलेगा अच्छा रुको, हम ये बोलेगा कि भाई उधार चाहिए, तो बोलेगा रुको अच्छा हम इंतजाम करते, तो ये क्या करेगा इसके पास आएगा, ठीक है? तो जब ये इसके पास आता है तो ये जो ये वाला है इससे उधार लेता है, ये उधार लेके कहाँ लगाता है सर? ये आगे लगाता है। तो ये वैल्यू कितनी जाती है? वन जीरो, ठीक है? ये कितनी जाती है? वन जीरो। और वन जीरो को तुमको पता होगा बाइनरी में वैल्यू कितनी होती है डेसिमल में? दो होती है। कितनी वैल्यू होती है? दो वैल्यू होती है, याद रखना। कितनी वैल्यू होती है? दो वैल्यू होती है। अच्छा अब ये इंतजाम हो गया, ये दो हो गया, इसमें से कह रही इसको ले लिया, अब तो ये ठंडा को पाल नहीं रहा ना, अब ये चाहे तो इसको बोरो दे सकता है। तो ये दो में से किसको बोरो दे दिया, तो फिर ये कितना हो गया? फिर वही बने दो, तो दो में से एक जाएगा बचेगा सर ये, और यहाँ पे एक बच गया था ना क्योंकि दो इसको दे दिया था, तो एक में से एक जाएगा तो जीरो, और ये तो इसको दे दिया था, यहाँ पे जीरो नहीं बचा, ये जीरो बच गया, ठीक है? इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, ठीक है? इसको इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखो तो और अच्छे समझ में आएगा। वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन, इसको घटाओ। बाइनरी सब्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, करके देखना कैसे करोगे। देखो कैसे करना है, वन में से वन जाएगा सर, वन में से वन जाएगा जीरो, वन में से जीरो जाएगा सर वन आएगा, जीरो में से एक जाएगा सर, जीरो में से एक तो नहीं जाएगा मगर इससे जब बोरो लेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आगे लग जाता है दस, और फिर बताएंगे दस की वैल्यू कितनी होती है, दो, तो दो में से एक जाएगी तो एक आएगा, और ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक बोरो दे दिया इसको तो ये जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, सही है? तो आई होप सब्ट्रैक्शन और एडिशन समझ में आया होगा, ठीक है बाबू? इसी तरह नए नए सेशन इंपॉर्टेंट सेशन लाते रहेंगे, जो एक एक चीज कहीं से चुराने वाली चीजें चुरा चुरा के इकट्ठा करते रहो, बाद में जब खुलोगे तो कुबेर का खजाना मिलेगा, ठीक है? तो कुबेर का खजाना इसी तरह तुमको देते रहेंगे, ठीक है? एक साथ देंगे तो तुम ग्रेजुएट भी नहीं कर पाओगे, इसलिए धीरे धीरे लेते रहो, ठीक है? खासकर हम LLB टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं, सही है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे मातरम।